कि आप बताइए कि जैसे मिसाल के तौर पे एक कंट्री हो गई जैसे सऊदी अरेबिया, जहां पर पब्लिकली कोई ऑब्सिनिटी दिखी नहीं सकती, एक मिसाल है। एक मिसाल है इंडिया जैसी कंट्री जहां मीडियोकर मामला है, दरमियान का मामला, बढ़ रहा है अमेरिकन मॉडल की तरफ या बढ़ाया जा रहा है बहुत ही अग्रेसिवली, लेकिन एक ये मॉडल है और एक है अमेरिका। अब या आप जो यूरोप। कंपेयर करें यूरोप या अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज, अब हम देखते हैं कि जब ये तीनों जगहों पर जो औरतें हैं वो वेरिंग डिग्री ऑफ कवर्ड, कवर्ड जो है वो एक अलग अलग डिग्रीज हैं। इसमें ये बताइए कि एक आदमी है जो अमेरिका में रहता है, जहां पर कोई औरत अगर बिकनी भी पहन करके चल रही है तो शायद उसे देखकर कुछ नहीं होगा उसे, ये एक नॉर्मल सी बात बन जाती है। हा? तो वो जब नॉर्मल सी बात बनती है उसका रिजल्ट क्या होता है? उसे जितना एक्साइटमेंट होना चाहिए था कोई चीज से उससे हुआ नहीं। मतलब कि एक नॉर्मल जो चीज है, जो अट्रैक्शन ऊपर वाले ने रखा था, वो अट्रैक्शन ड्यू टू डिसेंसिटाइज होने की वजह से, कॉमन चीज बन जाने की वजह से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो गया। अब ये जो डिक्रीज हुआ उसकी वजह से जो मैरिड लाइफ है उसकी लज्जत कम होने लगती है। लज्जत को तलाशने के लिए लोग दूसरी चीजों की तरफ बढ़ सकते हैं। इट इज इन माई हम्बल ओपिनियन, और इसके ताल्लुक से और स्टडीज की जा सकती है, दैट दिस कुड ऑल्सो बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टूवर्ड्स होमोसेक्सुअलिटी, और इस तरह की चीजें भी हो सकती है। लेकिन फॉर श्योर एट द मिनिमम लेवल इतना तो दिखता है कि जो एक अट्रैक्शन जो दोनों साउथ वो कम हो दोनों जाता है जेंडर्स के बीच किसी में है मामले वो में। थोड़ा डिसेंसिटाइज होने लगता है एक इंसान, और उसके अंदर जो अच्छी चीज उसके भले के लिए थी, जो हम कह रहे हैं कि वी आर नॉट अपोजिंग दैट एट ऑल, लेकिन जायज दायरे के अंदर वो चीज से वो डिप्राइव होता जा रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है।